हिमाचल प्रदेश के बाकी खबरें आपको सुपर फास्ट अंदाज में बताते हैं। धर्मशाला के गांव कनेड में देर शाम 22 साल की युवती के डूबने से मौत, पंचायत के उप प्रधान प्रकाश चंद ने दी जानकारी का, पानी के बहाव में बही युवती। सोलन में एक निजी क्लब की महिलाओं ने धूमधाम से मनाया तीज का त्यौहार, मौके पर क्लब की प्रभारी शोभा पाठक रही मौजूद। नालागढ़ में केंद्र सरकार दवा उद्योगों को देगी एक और तोहफा, दवा उद्योगों की लाइसेंस फीस 1 लाख करने को लेकर 20 अगस्त तक दिया जाएगा सुझाव। माधासाहिब के माजरा में पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, नशा तस्कर से पुलिस ने 20 ग्राम अफीम की बरामद। ऊना में कोरोना ने पसारे पांव, बीते 24 घंटे में 38 नए केसेज, एक्टिव केसेज का आंकड़ा 200 के पार। पंजाब पुलिस ने ऊना में गिरफ्तार किए अपने ही 2 निलंबित पुलिसकर्मी, फिरोजपुर में झूठे हेरोइन तस्करी और ड्रग्स मनी मामले में दोनों आरोपी। आगरा में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान किया शुरू, पुलिस ने भाटावाली के पास की छापेमारी, बरामद की नशे की बड़ी खेप। सोलन में हिमाचल किसान सभा का राज्य सम्मेलन शुरू, हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तनवर ने बताया कि अखिल भारतीय किसान सभा किसानों का है सबसे बड़ा संगठन। सेवानिवृत्त कर्मचारी समन्वय समिति ने सरकार को दी धर्मशाला में चेतावनी, 5 दिनों में बंद की गई पेंशन को बहाल करें सरकार। गुमारवी के ठिकरी गांव में 1,90,00,000 रुपए से बनने वाली जल शक्ति विभाग का शिलान्यास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने किया शुभारंभ। तो ये थी हिमाचल से जुड़ी खबरें, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनता टीवी के साथ क्योंकि हम हैं आपकी ताकत।